तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं जीजेयू के अंदर और आज हम आपको यहाँ का कैंपस टूर देंगे और आपको बताएंगे इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या है और इसके कैंपस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो बने रहिए वीडियो में। तो अब हम एंटर कर चुके हैं GGUST यानी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मेन कैंपस की तरफ, जो कि हमें अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ग्रीनरी और इतने सुंदर कैंपस से। अगर बात कर लें हम GGU के कैंपस साइज़ की, तो ये अप्रोक्सीमेटली 372 एकड़स का इसका कैंपस है, जो कि HU के कंपेरेटिव तो बहुत ही छोटा है। बट छोटे कैंपस होने के भी अपने प्रोज हैं। जैसे अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो फिर आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सब कुछ मिल जाता है। और अगर आपको एरियल व्यू दिखाएं GGU का, तो फिर कुछ इस प्रकार आपको दिखता है GGU का कैंपस और ये बिल्डिंग्स। और अगर वापस आ जाएं हम धरती पर, तो फिर आपको लेफ्ट में ये दिख रहा है रणबीर सिंह ऑडिटोरियम, जो कि जल्दी हम आपको दिखाने वाले हैं। और इसी के राइट में आपको दिखता है एक बिजनेस स्कूल, जो कि थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम आ चुके हैं चौधरी रणबीर सिंह ऑडिटोरियम के सामने। और इसके बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट बता दूं कि हरियाणा का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है और ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है। और जो दोस्तों इसके अंदर जो स्क्रीन लगाई गई है, वो एशिया की सबसे बड़ी स्क्रीन है किसी भी ऑडिटोरियम के अंदर। और दोस्तों, जो बड़े बड़े सिंगर्स है, जो पंजाबी सिंगर्स है या फिर बॉलीवुड के जो सिंगर्स है, वो यहाँ पर अपने लाइव शो करने आते रहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस ऑडिटोरियम के बिल्कुल सामने है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी, जो कि हरियाणा की बिगेस्ट लाइब्रेरीज के अंदर से एक है। तो अभी आपके सामने है एक बिजनेस स्कूल, जहां पर आपको इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, अकाउंट्स, फाइनेंस जैसे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों, अब दिखाते हैं हम आपको इस यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो जैसे कि दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक टेनिस कोर्ट है और जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे रेफरी के बैठने की जगह है। और अगर अश्मित आपको दिखाए यहाँ पे सामने, तो ये एक मल्टीपर्पज़ कोर्ट है, इसको काफ़ी काम में लिया जाता है अलग अलग चीज़ों के लिए। वो जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पर दीवार के ऊपर विकेट बनाई हुई है, तो यहाँ पर क्रिकेट भी खेला जाता है। तो यहाँ से चलते हैं बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ थोड़ी सी मस्ती करने। स्टार्ट। एक और स्टार्ट। पहले बार जब तक चलाऊंगा। आई एम नूब। तो अब हम आ चुके हैं फुटबॉल ग्राउंड के पास में और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ का फुटबॉल ग्राउंड है। और इधर की तरफ हम देख सकते हैं, तो जैसे हमें वहाँ पे नेट्स दिखाई दे रहे हैं क्रिकेट के, और यहाँ पे जो सामने हमें जो जगह दिखाई दे रही है, ये क्रिकेट का ग्राउंड है। अभी इसके मेंटेनेंस चल रही है लॉकडाउन के चलते, क्योंकि यहाँ पे अभी बच्चे हैं नहीं, इसलिए ये लोग मेंटेनेंस का काम अभी करने लग रहे हैं, इसलिए अभी ये थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा। और दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो स्टेडियम है इसका नाम है महाराणा प्रताप स्टेडियम। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देख के अच्छा लगा होगा। ये थोड़ा कॉम्पैक्ट है, पर इतने में आपको लगभग सारे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी मिल जाती। तो स्पोर्ट्स साइड अब हमने GGU की कवर कर ली है और अब हम बस ऐसे ही कैंपस का टूर कर रहे हैं। तो इसके बाद हम आपको थोड़ी एडमिशन्स वगैरह की जानकारी दे देंगे। एक एक चीज़ तो हम नहीं बता पाएंगे, बट कोई भी अगर आपका डाउट रह जाता है, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट ज़रूर करना, हम उसका जवाब आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो GGU की अगर आप एक खास बात करें, तो वो ये है कि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिल जाती हैं, जैसे आर्ट सोसाइटी, ड्रामा सोसाइटी और इनकी सबसे ज़्यादा फेमस डांस सोसाइटी, जिसका नाम है भांगड़ा वायरस। तो अगर आप डांस वगैरह के शौकीन हो, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ डांस से रिलेटेड मिल जाएगी। और अगर कोई क्लिप मिलती है हमें, तो फिर हम वो भी डाल देंगे।
तो बात कर ले अगर हम इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसीजर की, तो एडमिशन प्रोसीजर तो आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। और अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल अगर देखें एंट्रेंस का, तो इतना मुश्किल भी नहीं है, पॉसिबल है। और बाकी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें तो काफ़ी आसान रहता है, डोनेशन देके भी काम चल जाता है टू बी ऑनेस्ट। बट इसमें ऐसा नहीं है, आपके इंटेलिजेंस के बेसिस पे ये आपको एडमिशन मिलेगा। और बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, टीचिंग क्वालिटी देखें, अगर हम आप लाइब्रेरी देखें, यहाँ की ऑडिटोरियम देखें, तो बिल्कुल A1 मिलता है आपको। और जितने भी कोर्सेज वगैरह हैं, फ़ी स्ट्रक्चर है एडमिशन के रिगार्डिंग, जो भी एग्ज़ाम डेट्स वगैरह, वो आपको इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो बात कर ले अगर हम प्लेसमेंट्स के बारे में, तो इस यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट्स भी काफ़ी अच्छी हैं। अभी अभी हमें थोड़ी देर पहले ही जीजीयू की एक स्टूडेंट ने हमें बताया कि इस साल जो इन्फोसिस है, वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी कंपनी, उसने 20 स्टूडेंट्स को यहाँ के, जो बीटेक और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हैं यहाँ से, उनको 20 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स दी है। अगर आपको HU के बारे में भी जानना है, जो कि हिसार में ही है, अगर आपको उसके बारे में भी जानना है, तो हमने आप चैनल में जाके देख सकते हैं, हमने उसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, वरना यहाँ पर एक आई बटन आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके भी जा सकते हैं। तो यार हम GGU का कैंपस देख रहे थे, और जैसे ही हम एक्सप्लोर कर रहे थे, हमने देखी ये दो बड़े बड़े मकबरे। और अगर आपको इन मकबरों पे नेक्स्ट वीडियो, जो कि एंशंट साइड की जो वीडियो, अगर वो चाहिए तो फिर कमेंट में ज़रूर बताना, जितने भी इन्फॉर्मेशन होगी इनकी वो सब बताएंगे आपको। तो ये जो साथ में है, ये है यहाँ का कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर आपको सभी कन्फेक्शनरीज वगैरह, वो बैंक्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। और ये अगर लोकेशन इसकी बात करें तो गर्ल्स हॉस्टल के बिल्कुल सामने है, तो फिर आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हॉस्टल के जितनी पास ये सब शॉप्स वगैरह, तो उतना ही फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, समय आ चुका है इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करने का। होप करता हूँ आपको GGU का कैंपस रिव्यू बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, और जो भी आपके जानने में स्टूडेंट हैं, जो कि एडमिशन आपको लगता है लेने वाले होंगे, या फिर कॉलेज अपना ढूंढ रहे हैं, तो उनकी भी एक ड्रीम यूनिवर्सिटी बन सकती है, उनके अंदर शेयर कीजिए। धन्यवाद। तो अगर आपको हिसार के बारे में और जानना है, तो फिर हमने हिसार के बारे में बहुत सारी वीडियोज़ पहले ही बना रखी हैं, आप वो जाके भी एक बार चेकआउट कीजिए।